तो हम पहुंच गए आप न्यू दीघा। हम लोग का फिफ्थ डेस्टिनेशन न्यू दीघा बीच। बीच के तरफ जा रहे हैं आप। चलिए दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। और सनी भाई, जी भाई, कैसा लग रहा घूम के? चिंटू भाई कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक, वो आगे आगे जा रहे हैं अनवर भाई उर्फ रिंटू। उर्फ रिंटू भाई चलिए दिखाते हैं आपको न्यू दीघा बीच। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करते वक्त और सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन जरूर दबाइए। सारा नोटिफिकेशन जितना मैं अपलोड करता हूँ सब आपको मिल जाएगा मेरा नया वीडियोस। तो ये देखिए न्यू दीघा बीच। कुछ ही देर में बारिश बंद हुआ है यहाँ पे, फिर भी जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं क्लाउड्स आ रहे हैं, फिर बारिश हो गए यहाँ। तो आए हैं, चलिए कुछ देर के लिए एंजॉय कर रहे हैं। आप भी वीडियो एंजॉय कीजिए और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। हेल्प कीजिए मुझे। जाओ घुसो मार्बल उतरे घुसो आराम से आराम करे। स्पेशलिटी है ये मैट चटाई बोलते हैं, तो यहाँ का हैंडक्राफ्टेड है तो वही लेने आए। ये भाई साहब का दुकान है, ये हमको बता रहे हैं। दादा अपना नाम टा की? हमारा नाम दिव्येंदु सिंह। अच्छा स्टॉल नंबर? সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তখনই আপনি বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে
ये दादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने कर रहे हैं। ट्रिप में तो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है और आप लोग का साथ रहेगा, दादा लोग का जैसे साथ रहेगा तो चैनल जरूर ग्रो करेगा। लीन दादा, ओके दादा, आशीष चले, थैंक यू। सो वी आर इन मोहना बीच, तो हम मोहना बीच पे हैं, अभी आए हैं यहाँ। सिक्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन नंबर 6 मोहना बीच। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ, मैं भी इंजॉय करता हूँ। मैं तो आ चुका हूँ यहाँ 2-3 बार मोहना में, लेकिन तालसारी और बिचित्रपुर में पहला बार गया। अनफॉर्चुनेटली फॉर कोविड मैं घूम नहीं पाया हम, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे। So, till now and for today, enjoy Mohana, destination number 6. बीच में जा रहे हैं, बीच के पास। सनी भाई मोहना में मजा लेते हुए। ये कैसा सिचुएशन है यार, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन। आदमी को पत्थर में चढ़ते हुए, लांगते हुए, ट्रेकिंग करते हुए जाना पड़ता है यार, क्या करे, करना पड़ता है। चलिए, बहुत तकलीफ होता है, क्या करे, न्यू नॉर्मल है अभी तो, इसलिए मैं भी न्यू नॉर्मल में जी रहा हूँ। आपको भी सजेस्ट करता हूँ,
कि न्यू नॉर्मल में जीजिए और मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन बस जैसे अच्छा दिन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, वैसा बुरा दिन भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। सो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जैसा दिन आया है ये जल्द से जल्द चले जाए, हम अपने नॉर्मल लाइफ में जीना फिर से चालू कर दे और सब ये पैंडेमिक टोटली ये अल्लाह एंड कर दीजिए आप। बहुत हम लोग परेशान हो चुके हैं, बहुत आदमी का बहुत नुकसान हो गया। यहाँ मैं दीघा में आया हूँ, ये दीघा एक अलग दीघा लग रहा है। जितना दुकान पहले खुला हुआ रहते थे, जितना क्राउड रहते थे यहाँ पे, अभी ऐसा कोई क्राउड नहीं है। गरीब आदमी जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन लोग का दुकान बंद है। तो बस ये है कि दुआ करता हूँ अल्लाह से कि पहले की तरह सब नॉर्मल हो जाए, सबका रोजी रोजगार जैसा चलता है वैसा चले और सब हम लोग जैसी फ्रीली आए, इंजॉय करें और इंजॉय करते रहें। आप भी आइए दीघा, इंजॉय कीजिए मोहना। चलिए भाई, यही खराब हम नहीं पाया था।